हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं कढ़ी चावल। चावल इस तरह से बनाएंगे कि इसको पसाने की ज़रूरत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रफत परवीन, ऑल ओवर किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं। 400 ग्राम चावल, तेल, बेसन, 100 ग्राम दही, तड़का के लिए हींग, राई, लाल मिर्च, हरी मिर्च और करी पत्ता। मसाले में है कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, 1/4 चम्मच काली मिर्च, हल्दी 1 चम्मच और धनिया का पाउडर 1 चम्मच। ये भी तड़का के लिए है, जो दोबारा तड़का लगाया जाएगा उसके लिए। लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के लिए। पहले पानी डालेंगे। अगर मान लिया 400 ग्राम चावल है तो उसका डबल पानी पड़ेगा, 800 ml पानी। गैस ऑन करते हैं। 1 चम्मच उसमें डालेंगे रिफाइंड तेल। एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे, इसको ढक देते हैं। जब पानी बॉयल होगा फिर इसमें चावल लगाएंगे। सबसे पहले बेसन लेंगे 2 कप, थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक तो पहले मसाले में भी जाएगा। 1/2 चम्मच डालेंगे लहसुन का पेस्ट। 1/4 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच इसमें और पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि पकौड़ी बिल्कुल फूला फूला बने और सॉफ्ट बने। देखिए बैटर जो है खूब अच्छा से फेंट लिए हैं। अब इससे पकौड़ी सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। पानी देखिए बॉयल हो रहा है। चावल को धो के पहले से ही रखे हुए थे, इसको चला देंगे। जब ये एक उबाल हो जाएगा उसके बाद इसको क्या करेंगे, पूरा लो टू मीडियम हीट पर करके छोड़ देंगे और ढक्कन हल्का सा खुला रहेगा ताकि उबल के गिरे नहीं और चावल भी अपना पकता रहे। कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा अच्छा से फिर इसमें पकौड़ी छानेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होता है कि पकौड़ी जो है वो तेल कम सोखेगा। अब हम इसमें पकौड़ी तलना शुरू करेंगे। पकौड़ी अपने हिसाब से डालें, हम छोटा छोटा ही बना रहे हैं। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए पकौड़ी डालने के बाद। अब हम तेल को हीट को लो टू मीडियम कर देंगे ताकि जले नहीं और अच्छा से अंदर तक पके। देखिए दोस्तों, हम इसमें खाने वाला सोडा जो होता है या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाले, लेकिन फिर भी पूरा जालीदार बना है। तो जितना अच्छा से आप बेसन को के घोल को फेंटिएगा, मिलाइएगा, पकौड़ी इतना अच्छा बनेगा। देखिए चावल भी तैयार हो रहा है, तो हल्का सा चला देंगे। गैस पूरा कम कर दिए हैं और ढक के इसको पकाएंगे। देखिए पकौड़ी तैयार है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे।
इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, यानी एक चौथाई चम्मच। एक चौथाई चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सारे मसाले इसी में ऐड करेंगे। ये बेसन का घोल है, पकौड़ी बनाने के बाद जो एक पकौड़ी का बेसन छोड़ दिए थे उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए, इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। दही में बेसन डाल करके मिक्स कर लीजिए और उसके बाद जब तड़का लगाइएगा तो क्या होगा कि दही फटेगा नहीं। ये सब मिक्स हो गया है, अब हम तड़का लगाएंगे। लाल मिर्च और सरसों डालेंगे पहले तेल में। हींग डालेंगे, आधा चम्मच हींग है। हींग डालने से का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। करी पत्ता डाल के तो पहले ढक देंगे। अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। मिक्स करेंगे। जब तक इसका इससे तेल ना छूटने लगे तब तक ये भुनाएगा। देखिए मसाला भुना गया है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक स्वाद के हिसाब से लें, इसलिए कि पकौड़ी में भी थोड़ा नमक है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और जब ये बॉईल होने लगेगा फिर इसमें हम पकौड़ी डालेंगे। इसको मिला लेंगे और इसको ढक देंगे जब तक ये बॉयल हो। देखिए ये अच्छा से बॉयल हो गया है, तो इसमें हम पकौड़ी डाल देंगे। डाल के इसको भी कम से कम 5 से 7 मिनट छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से मसाला अंदर तक जाए और पकौड़ी भी फूल जाए। हल्का चला देंगे और ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों कढ़ी तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इस तड़का में अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाले हैं और कश्मीरी मिर्च डाले हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया दोस्तों। अब इसको हल्का सा मिक्स करते हैं और उसके बाद सर्व करते हैं। चावल देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल खिला हुआ। चलिए आप प्लेटिंग करते हैं। इस तरह से आप चावल बनाएंगे तो क्या होगा कि इसका जो मार होता है वो वेस्ट नहीं जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप कढ़ी चावल जरूर बनाएं, आपको पसंद आएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा लगेगा जिस तरह से हम बनाए हैं। कढ़ी चावल की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।